हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा कंबाइंड स्ट्रेस और स्ट्रेन का फोर्थ वीडियो लेक्चर है ये। इससे पहले हम तीन वीडियो लेक्चर डाल चुके हैं, जो लोग उसको नहीं देखे हैं प्लीज उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये इसको पढ़िएगा। ये लेक्चर को देखिए, उसमें हम जो कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस में हम डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में देख चुके थे क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस देख चुके हैं क्या होता है, फिर कंडीशन फॉर नो टेंशन, कंडीशन फॉर नो टेंशन हम देख चुके हैं, ये वाला यहाँ तक हमारा हो चुका है। ठीक है, इसमें जैसे आपका एक ये था प्रॉब्लम, ये था कि डायरेक्ट, एक मिनट, इसमें कि नो स्ट्रेस कंडीशन ये कहाँ से आया था मैथमेटिकली, ये जो यहाँ पे जो है कहाँ से आया था? आपको पता है कि कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बाद में, इसके लिए जो डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए बेंडिंग स्ट्रेस से। यहाँ से हम ड्राइव किए थे, इसके बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन एक आया था, ई इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन जेड बाई ए, ऐसा करके कुछ एक्सप्रेशन था मेरे पास, इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू जेड। ये यहाँ तक हम नो टेंशन कंडीशन के लिए पढ़े थे। अब देखिए, अब कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर हमको जनरली क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमीटर या कर्नल, कर्नल करके एक वर्ड होता है आगे हम अभी देखेंगे, जिसके लिए ऑब्जेक्ट में कोई टेंशन नहीं हो, तो वो वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ये जेड और ए का रेशियो निकाल के निकालेंगे हम। जेड क्या होता है? सेक्शन मॉडुलस होता है, ये हम लास्ट लेक्चर में बताए थे आपको, ये एरिया होता है ऑब्जेक्ट का। तो और जेड कैसे निकलता है वो आपको पता है, अब बेंडिंग स्ट्रेस जो चैप्टर पढ़े थे आप उसमें पढ़े थे, नहीं तो ऐसे भी जेड इजकल टू आई बाई वाई होता है, हम पिछले लेक्चर में भी बताए होंगे। वाई क्या होता है, आई क्या होता है, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें भी ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उससे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करें या कुछ और चीज़ देखिए, इससे पहले एक रूल होता है मिडिल थर्ड रूल, ये मिडिल थर्ड रूल क्या होता है इसके बारे में अभी हमको देखना है। यही मिडिल थर्ड रूल है जिसका हेल्प से हम कर्नल डिस्टेंस निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी है और कर्नल करके कुछ रिलेशन होता है, अभी हम देखेंगे क्या होता है। जैसे देखिए, सिंपल है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे देखिए, मानिए कि ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का जो ये ऑब्जेक्ट है, तो आप देखे थे अगर सपोज यहाँ पे अगर कोई स्ट्रेस लग रहा है, इसेंट्रिसिटी ई पे कोई अगर लोड लग रहा है, तो इस लोड के वजह से जो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा था, उस स्ट्रेस में नो, उस स्ट्रेस में हमको टेंशन नहीं चाहिए, नो टेंशन कंडीशन, नो टेंशन कंडीशन के लिए आप देखे थे ये वाला एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, तो नो टेंशन कंडीशन, तो क्वेश्चन में ऐसा रहता है या फिर ऐसा करके एक कंसेप्ट है जिसमें कि आपको निकालने के लिए कहा जाता है कि फाइंड द एरिया विथ इन विच, वैसा एरिया आप निकालिए जिसमें अगर लोड लग रहा है तो टेंशन नहीं जनरेट होगा। देखिए, जैसे मानिए कि ये अगर हम ऐसे आपको भी बता देते हैं, ठीक है, जैसे मानिए कि यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ पे इसका, यहाँ पे लोड लग रहा है ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे, ये इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। ठीक है, अगर वाई एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक अगर इसेंट्रिसिटी है, सॉरी एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है, सेंटर से लेके यहाँ तक, तो और ये जो हम एरिया भी बनाए हैं, आपको अभी पता चल जाएगा आपको कैसे पथ बनाए हैं, तो ये एरिया जो हम बनाए हैं, अगर इस एरिया के बीच में अगर कोई लोड लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसमें नो टेंशन कंडीशन होगा, मतलब टेंशन नहीं होगा, ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस ही होगा ऑब्जेक्ट में, ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस ही होगा। आप जो फिगर इससे पहले जो आप देखे थे, हम उसमें आप देखे थे कि हम ये इस टाइप से कुछ ड्रॉ किए थे, डायरेक्ट स्ट्रेस के वजह से इस टाइप से स्ट्रेस जनरेट हो रहा था। ठीक है ना, अब बेंडिंग के वजह से, बेंडिंग के वजह से इस टाइप से, कुछ याद है?
अभी याद होगा आप लोगों को, तो इस टाइप से हो रहा था। तो उसमें फिर हम क्या देख रहे थे कि जैसे हमको एक ऐसा कंडीशन चाहिए, अब जिसमें ऐसा कंडीशन चाहिए जिसमें कि ऑब्जेक्ट में कोई टेंशन नहीं हो, ओनली कंप्रेसिव हो, तब उसमें हम देखे थे कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है सिग्मा बी का जो वैल्यू है वो लेस देन होना चाहिए सिग्मा डी से, या बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये सिग्मा डी है और ये सिग्मा बी है। इस टाइप से हम देखे थे कुछ, नहीं तो पिछले लेक्चर आके देख लीजिएगा, वहां से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है कि हमको जो निकालने के लिए ये जो मिडिल थर्ड रूल क्या होता है, मिडिल थर्ड रूल सिर्फ वो होता है जहां पे हम निकालते हैं वैसा जगह या वैसा स्पेस जहां पे मिडिल थर्ड रूल के अंतर्गत, मिडिल थर्ड रूल के अंतर्गत हम निकालते हैं वैसा जगह या वैसा स्पेस जहां पे या जिसके अंदर, जैसे माने ये इतना सारा स्पेस है जितना को हम रेड कलर से कलर कर दिए यहाँ पे, उसके अंदर उस एरिया के अंदर हम कहीं भी अगर बेल लगाते हैं, कहीं भी अगर हम लोड लगाते हैं, तो इसमें हमें टेंसाइल स्ट्रेस नहीं पैदा होगा, ओनली के ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस ही पैदा होगा इस बॉडी के ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही जो कंडीशन होता है वैसा स्पेस निकालने का जो तरीका होता है, जो स्पेस निकालते हैं उसी को बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल, मिडिल थर्ड रूल। ठीक है, और इतना तो आपको पता ही है, इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए आपको पता है ई इक्वल टू जेड बाई ए, सिंपल ई इज लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए जेड बाई ए से। ठीक है, और देखिए अगर हम देखिए ये होता है एक्स और ये होता है वाई, जनरली आपको पता है ये एक्स एक्सिस है तो ये ई एक्स होगा, ये वाई एक्सिस है तो वाई होगा, लेकिन इसमें हम अभी देखिए बताते हैं, और ये जेड जो है ई जेड जेड डिपेंड करता है कौन सा एक्सिस ले रहे हैं, अगर एक्स एक्स ले रहे हैं या जेड वाई वाई ले रहे हैं। ठीक है ना, तो जेड एक्स एक्स अगर ले रहे हैं तो यानी जो हमको निकालना है एक्स एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्सिस मतलब एक्सिस कौन है, ये वाला एक्सिस। ठीक है ना, ठीक, तो ये और ये हमेशा ये इसेंट्रिसिटी अगर वाई डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो ये जेड एक्स एक्स होता है, अगर एक्स में निकाल रहे हैं तो ये वाई वाई होता है। ठीक है, इतना करके इस बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, वो हम आगे भी बताएंगे। ठीक है, ये देखिए जेड एक्स एक्स है यहाँ पे हम निकाले तो आई एक्स एक्स और वाई मैक्सिमम, हमेशा वाई क्या होता है पूरे सेंट्रॉयड से यहाँ तक की दूरी, तो ये आई एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, अगर मानिए कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल था, इसका विड्थ बी है और हाइट इसका डी है, हाइट इसका डी है, तो एक्स एक्स एक्सिस के बाद बी डी क्यू बाई 12 हो जाएगा, ये बी डी क्यू बाई 12 आपको सही है, और वाई क्या हो जाएगा, इतना है डी का हाफ, सिर्फ इतना वाला हो जाएगा वाई डी बाई 2, तो बी डी स्क्वायर बाई 6 आ गया। जेड वाई वाई निकालेंगे ऐसे तो जेड वाई वाई यानी यहाँ आई वाई वाई हो जाएगा, और फिर वाई मैक्सिमम, इसमें वाई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसमें वाई मैक्सिमम ये वाला। ठीक, तो आई वाई एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट वाई एक्सिस यानी इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा, बेस यानी डी बी क्यू, ये बी क्यू देखिए यहाँ पे है 12 और वाई तो बी बाई 2 अभी हम बताएं आपको, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो अब फॉर नो स्ट्रेस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, ई का वैल्यू क्या होना चाहिए, जेड बाई एक्स का वैल्यू लेस देन होना चाहिए दोनों कंडीशन में। ठीक, देखिए अभी आपको देखिए ले चलते हैं, देखिए यहाँ पे जो हम फिगर बनाए हैं वही है, रेक्टेंगुलर एक ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर बॉडी है। ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये जो एरिया एक छोटा सा एक डायमंड टाइप का बना हुआ है ये। ठीक है, इसमें क्या है कि ये सेंटर से यहाँ ई के इस बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, अब ऐसे ये एक्स डायरेक्शन में तो ये एक्स होना चाहिए, यहाँ ई वाई लिखा हुआ है, ये वाई डायरेक्शन में है तो ये ई वाई होगा। ठीक है ना, तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। ठीक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक यानी इसके बीच में कहीं भी अगर हम लोड लगाएंगे तो हमारे पास जो है कि नो टेंशन कंडीशन होगा। देखिए ये डायमंड कैसे आया, इतना ही देखिए, सबसे पहले हमको आपको ये बता देते हैं।
एक जगह ये है, यहाँ पे कोई लग एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों को हम ऐसे मिलाएंगे, जैसे सिमिलरली ऐसी जितना इधर है उतना ही भी इधर होगा, जितना ये इधर है उतना ही ये नीचे होगा। तो अगर हम इस पॉइंट को मिला देंगे, सारे कॉर्नर पॉइंट को मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक से बन गया, तो यही यही होता है ये, ठीक। उसके बाद क्या है कि हाँ, ये आया कैसे, मतलब ये हाँ, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरा सॉल्व तो अभी किए नहीं, बता दें। देखिए ये जो ई ई का जो वैल्यू है, यहाँ पे जेड के बदले बी डी स्क्वायर बाई सिक्स, और एरिया बी इंटू डी, रेक्टेंगल का एरिया बी इंटू डी होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो है बी बी कट गया, एक डी कट गया, तो डी बाई सिक्स बच गया। तो डी बाई सिक्स इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, डी बाई सिक्स होना चाहिए, ठीक है। और ये इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बी बाई सिक्स। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन कौन सा है, ये एक्चुअली होगा वाई डायरेक्शन वाला, ये होगा एक्स डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखाया हुआ है, ठीक है, ठीक, समझे। वो क्या है कि टू ई वाई, मतलब ये ई वाई का वैल्यू हमारे पास आ गया, इसेंट्रिसिटी इन वाई डायरेक्शन आ गया, कितना चाहिए डी बाई, ये डी बाई सिक्स होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक डी बाई सिक्स होना चाहिए। लेकिन ये ओवरऑल ये पूरा कितना है, यहाँ दो टाइम्स है, इसको दोगुना करेंगे तो ये डी बाई थ्री हो जाएगा। यानी अगर आपको बोले कर्नल एरिया क्या होता है, कर्नल एरिया या कोर, ठीक है, देखिए यहाँ फॉर नो स्ट्रेस कंडीशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉर, देखिए इसे आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा, फॉर नो टेंशन कंडीशन द लोड मस्ट लाई विथ इन मिडिल थर्ड शेडेड एरिया ऑफ इसेंट्रिसिटी टू ई, ऑफ इसेंट्रिसिटी टू ई, देखिए ये ई है, इसी को दोगुना कर दिया गया, द टू ई, दिस इज नोन एज मिडिल और थर्ड रूल, द सेंट्रल शेडेड पोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कोर या कर्नल ऑफ द सेक्शन, कोर या कर्नल ऑफ द सेक्शन, जो जो पोर्शन शेडेड है उसको कोर या कर्नल ऑफ द सेक्शन बोलते हैं। अगर इतना से अब मिडिल थर्ड रूल क्या होता है पता चल गया, मिडिल थर्ड रूल वैसा रूल है जिसमें हम फाइंड करते हैं कि किस एरिया के अंदर हम जो लोड लगाएंगे तो उसमें कोई टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, यानी इट इज द वे टू फाइंडिंग आउट द पोजिशन ऑफ द लोड विथ इन विच द लोड विल सब्जेक्टेड, देन देर विल बी नो एनी टेंसाइल लोड, ठीक है, देर इज नो एनी टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो यही कोर या कर्नल भी इसी को बोलते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है जो आगे हम अभी देखेंगे, ये तो मोनली थ्योरी था अभी, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी तो हम एक जनरल रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बताए थे आपको, वैसा ही सर्कुलर सेक्शन हो या फिर हॉलो सेक्शन हो, उस सब के लिए अलग अलग कंडीशंस में कोर और कर्नल निकालने के लिए आता है, कोर बोले तब या कर्नल बोले तब आपको वही चीज निकाल देना है, ठीक है। तो कोर ऑफ ए सेक्शन द सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन ऑफ ए सेक्शन विथ इन विच द लोड मस्ट एक्ट सो एज टू प्रोड्यूस ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस कॉल्ड कोर या कर्नल ऑफ द सेक्शन, मतलब वैसा जगह या पोर्शन जहाँ पे लोड लगने से ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होता है, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं पैदा होता है, उसको बोलते हैं कोर ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए कोर क्या होता है, कर्नल क्या होता है, मिडिल थर्ड रूल क्या होता है, यहाँ तक हम देख लिए हैं अभी। फिर अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का या सर्कुलर सेक्शन का कोर कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके या जैसे हो ये इसको लिख लिया कीजिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन को, और हम ऐसे भी अपलोड कर देंगे यहाँ पे, मिडिल थर्ड रूल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ सब इसमें जो है डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का जो कम्बिनेशन वाला चैप्टर इसमें पढ़ा चुके हैं। देखिए मेन यही कंडीशन है सिग्मा, देखिए यहाँ पे आप, हाँ अभी हम एक बार थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए हम जब देखे थे जो सिग्मा डी, देखिए ये सिग्मा डी का जो वैल्यू है कम हो जाता है, यानी सिग्मा बी का वैल्यू ज़्यादा, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि देखिए जो मिनिमम स्ट्रेस हम निकाल रहे थे क्या हो जाता है, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, यानी ये निगेटिव वाला टर्म है, पॉजिटिव रहता तो कोई बात ही नहीं रहता, पॉजिटिव रहता जो जोड़ना, मैक्सिमम हमको अगर निकालना है तो कोई बात ही नहीं है बिकॉज ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम वाला निकालना होता है तो उसमें ऐड करते हैं, देखिए माइनस में अगर ये वाला टर्म अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, सिग्मा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो सिग्मा बी का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, यही की वजह से हम नो स्ट्रेस कंडीशन पढ़ते हैं।
यही वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ सब तो हम पहले देख ही चुके हैं, ये सारा चीज़, ठीक है, कि कैसे होता है। ये मेरा पहले वाला पुराना वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें सब आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।